आप देख रहे हैं रब जीआई। सीधे बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में भाजपा को मिलेगी बड़ी जीत। जी हां, गुजरात में भले ही भाजपा पिछले 3 दशकों से सत्ता में हो, पर राज्य में मोदी लहर अब भी कायम है। आपको बता दें कि गुजरात को लेकर ओपिनियन पोल सामने आया है। इसमें गुजरात में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। ओपिनियन पोल में बीजेपी को 125 से 130 सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस को 29 से 33 सीटें मिलती देखी जा रही हैं। साथ ही अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। ओपिनियन पोल के अनुसार गुजरात में बीजेपी लगातार क्यों जीत रही है, इसके बारे में भी चर्चा हुई। पोल के मुताबिक बीजेपी विकास के मोर्चे पर 45% वोट हासिल कर रही है, वहीं मजबूत संगठन के बलबूते पर बीजेपी 19% वोट पा रही है, जबकि गुजरात में कमजोर विपक्ष के कारण 27% वोट बीजेपी को मिल रहा है। यानी कि गुजरात में एक बार फिर बीजेपी अपना परचम लहराने को तैयार है। दरअसल इस बार के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी भी गुजरात में अपना दमखम दिखाने जा रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तक दर्जनों बार वहां का दौरा कर चुके हैं और इस बार उन्होंने बीजेपी को मात देने के लिए उन्हीं के हथियार को अपना ताकत बना लिया है। जी हाँ, गौरतलब है कि बीजेपी का प्रमुख हथियार हिंदुत्व है, पर इस बार आम आदमी पार्टी भी राज्य में हिंदुत्व की राजनीति करती आ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले कुछ समय से गुजरात और हिमाचल प्रदेश का दौरा करते रहे हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने गुजरात में सैकड़ों करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। ऐसे में सर्व चाहे कुछ भी कहे, पर गुजरात में इस बार विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच जोरदार टक्कर होने की उम्मीद है। ऐसी ही रोमांचक रिपोर्ट देखने के लिए बने रहे मेरे साथ, यानी रब जीआई के साथ। धन्यवाद।